भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में आज 3 मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा टी20 मैच खेला जाने वाला है। टीम इंडिया के पास दूसरा टी20 मैच जीतकर इस सीरीज को अपने नाम करने का सुनहरा मौका है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए दूसरे मुकाबले में करो या मरो की स्थिति है। अगर ऑस्ट्रेलिया आज का मैच हारती है तो वह सीरीज भी गवा देगी, लेकिन अगर आज ऑस्ट्रेलिया मैच जीत जाती है तो तीसरे एवं निर्णायक टी20 मुकाबले में इस सीरीज को कौन जीतेगा ये पता चल पाएगा। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में हम बात करें तो उसमें बदलाव की संभावना बेहद कम नजर आ रही है। शिखर धवन के साथ केएल राहुल एक बार फिर से ओपनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं, जबकि तीसरे नंबर पर विराट कोहली का खेलना तय माना जा रहा है। संजू सैमसन ने चूंकि 15 गेंद में 25 रन की पारी खेली थी, इसलिए टीम मैनेजमेंट ने 4 नंबर पर उन्हें एक बार और मौका देने का फैसला किया है। इस स्थिति में श्रेयस अय्यर को एक बार फिर से टीम के बाहर बैठना पड़ सकता है। हालांकि मनीष पांडे नंबर 5 और हार्दिक पांड्या नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आ सकते हैं। पांड्या को हालांकि स्थिति के हिसाब से ऊपर नीचे किया जा सकता है। वहीं रविंद्र जडेजा के बाहर होने की वजह से वॉशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आएंगे, तो वहीं स्पिन गेंदबाजी की कमान युजवेंद्र चहल, जो कि पहले मैच में मैन ऑफ द मैच भी बने थे, उनको इस बार मौका मिल सकता है। टीम इंडिया की तेज गेंदबाजी में बदलाव हो सकता है। पहले मैच में शमी काफी महंगे साबित हुए थे, इसलिए उनके स्थान पर जसप्रीत बुमराह को टीम में जगह मिल सकती है। डेब्यू मैच में 3 विकेट लेने वाले टी नटराजन का खेलना पूरी तरह से तय माना जा रहा है, जबकि दीपक चाहर पर विराट कोहली को भरोसा है या नहीं ये तो टॉस के बाद ही पता चलेगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टी20 घमासान के बारे में पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।